नमस्कार मित्रों, ये आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल हैं और अपना स्वास्थ्य और अपने परिजनों का स्वास्थ्य देख रहे हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, परिजनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो ही इस देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये अपेक्षा आपसे करती हूँ। आज पहली बार मैं सब मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ऐसे मिल रही हूँ वर्चुअल रैली के रूप से। गए 70 दिन से भी ज्यादा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से इस आपदा के खिलाफ लोगों के लिए काम किया। इसीलिए सबसे पहले मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं को मैं वंदन करती हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आने वाले समय में भी हमें ऐसे ही डट के काम करना है और आगे बढ़ना है। आज डिजिटल इंडिया के रूप से पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये वर्चुअल रैली हो रही है। हम एक दूसरे को फेस टू फेस देख नहीं पा रहे या मिल नहीं पा रहे, लेकिन दिल भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। इस वर्चुअल रैली से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिन विचारों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारों को हम और आगे बढ़ा के लोगों तक पहुंचाए, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है 1998, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम का नाम हर वक्त अग्रणीय होता है। 1998 में उनकी किताब आई थी भारत 2020, इंडिया 2020, एंड ही स्पोक अबाउट इंडिया एंड ही शोड अस द ड्रीम ऑफ इंडिया। उन्होंने हमें भारत का एक सपना दिखाया। ये सपना उन्होंने दिखाया कि भारत 2020 में सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा और सबसे प्रभावशाली देश बनने वाला है। इस युवा नेशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और मुझे लगता है उन्होंने 1998 भी हमें मजबूर किया कि 1998 से हमें उत्सुकता लाई कि 2020 को हम देखें और 2020 को कैसे हम अपना सपना जोड़ सकते हैं उस 2020 के पास देखें, कभी 2021 या 2022 का भी नहीं। लेकिन हम सब युवा 2020 का सपना और 2020 का स्वागत करने के लिए पूरी तरह उत्सुक थे। भारतीय जनता पार्टी उसी रूप से युवा मोर्चा को आगे ले बढ़ी। मोदी जी ने वो सपना देखा। मोदी जी हर वक्त कहते हैं कि देश का युवा जो सपना देखता है, जब अपने देश के साथ वो सपना जोड़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। और हम सब, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा, उस 2020 की एक उत्सुकता रख के उसके लिए हम राह देख रहे थे। और जब 2020 आया उसका हमने अभूतपूर्ण स्वागत भी किया, उत्सुकता के रूप से हम खुश भी हुए। लेकिन जनवरी के बाद 2020, जब हम अपने सारे सपने, इस युवा देश के सपने इसी विचारों के साथ जोड़ रहे थे कि दिस यंगेस्ट नेशन इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड, तभी अचानक मार्च 2020 में एक स्थानबद्धता आई। वी वर स्टैंड स्टिल, हम सब रुक गए, जिंदगी रुक गई, हमारी जिंदगी रुक गई, सबकी जिंदगी रुक गई, विश्व की जिंदगी रुक गई। और ऐसे कहा गया था इस लड़ाई में कि घर के अंदर रहोगे तो जीवन है, लेकिन दहलीज पार करोगे तो मृत्यु का डर बाहर है। इस विचारों को लेके हम उस डर के साथ रहे और डट के डर के साथ लड़ भी रहे थे, लेकिन उस डर को कम करने की भी जिम्मेदारी हम सब में है। इस आपदा को पूरा विश्व देख रहा है, इस आपदा के साथ पूरा विश्व लड़ रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत के साथ, अपने विचारों के साथ और एक सक्षम नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के साथ इसको लड़ने के लिए एक अलग रूप से देखा। मैं युवा मोर्चा के साथियों को बोलना चाहती हूँ, इसमें 5 ऐसे S हैं, 5 S, उसको लेके भारत आगे बढ़ रहा है। 1 समाज, 2 स्वास्थ्य, 3 संस्था, 4 सरकार, 5 सकारात्मकता। ये 5 S समाज, स्वास्थ्य, संस्था, सरकार और सकारात्मकता को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज पहला S, समाज से हमारी अपेक्षा इतनी ही है कि हमें ये लड़ाई
टुकड़ों में नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई साथ में मिलके लड़नी है। साथ में मिलके हमने कुछ ऐसे नियमों का पालन करना है जिससे हम सब साथ में मिलके इस लड़ाई से लड़े, इस समाज की ताकत बढ़ाए और भारत देश को आगे ले जाए। उसमें छोटे छोटे विषय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, लेकिन दिल से दिल की दूरी ना रखें, मास्क पहनना, सही मास्क पहनना ये बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना, स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप हम समाज में सब साथ में मिलके इन कुछ नियमों को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो इन 5 S में से पहला S समाज ताकत देगा। 2रा S स्वास्थ्य, अपना और अपने परिजनों का स्वास्थ्य ठीक रखें। उसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम अपने परिजनों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और होने वाली जब ताकतें हम में वो आएगी, इम्यूनिटी हम में आएगी, तो उसके लिए हम क्या क्या अपने रूप से कर सकते हैं उसका ध्यान रखना। उसके साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे लिए, देश के लिए, हमारे लिए जो मुहैया की गई है, उन स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग देना, उनके साथ रहना, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपसे डॉक्टर अपेक्षा करता है कि आपके ऐसे कोई नियम है, आप बीमार हो, तो किस रूप से उस नियमों का पालन करें, तो उस स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भी सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना पीड़ित स्वास्थ्य में एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, और ऐसे कई विषय आते हैं, मैं सांसद हूँ, हम सब पूरे देश में देखते हैं, जब कोई कोरोना पीड़ित हम देखते हैं तो उसके पास देखने की हमारी निगाह बहुत बदल जाती है, नफरत के रूप से हम देखते हैं। हमने देश में बहुत जगहों पे देखा है कि कोरोना पीड़ितों को डॉक्टर जब मदद करते हैं, वहाँ के नर्सेज मदद करती हैं, खुद कोरोना पीड़ित होते हैं, तो समाज उनके यहाँ अच्छी नज़र से नहीं देखता। तो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो पहले मानसिक स्वास्थ्य भी, उस शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़रूरी है कि सकारात्मक रूप से उस कोरोना पीड़ित को, उन लोगों को देखे, नफरत के रूप से ना देखे। इन सारे S में से 3रा S है संस्था। संस्था जैसे भारतीय जनता पार्टी, अंत्योदय का विचार से प्रेरित ये भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे फक्र है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूं। अंत्योदय की विचारधारा सिर्फ किताबों में नहीं तो जमीन पर हम सबने लाई है सालों साल, और हमें ऐसी आपदा में भी, ये ऐसी आपदा है जिसमें हम कहते हैं कि दिक्कतों में कहीं अवसर मिल जाए, तो हमें सेवा करने का अवसर मिला, और हमें फख्र है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का कि हम अंत्योदय का विचार को लेके जनता तक पहुंच पाए। इस रूप से हमारी संस्था, करोड़ों के कार्यकर्ता साथ में मिलके पूरे देश भर में हमने काम किया, और आज विश्व ने भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्था का सराहना की। इन संस्थाओं में बहुत ऐसी संस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल आउटफिट है, और हमने हमारी विचारधारा से राजनीति और समाज सेवा दोनों को साथ में लेके काम किया, समाज सेवा की, और जहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा है, जनता को सेवा नहीं मिल रही है, तो एक राजनीतिक पक्ष रूप से मदद भी की और सवाल भी उठाए। दूसरी संस्था का एक प्रकार है, वो है अलग विचार परिवारों की संस्थाएं, जैसे हमारी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और हमारे विचार परिवारों ने साथ में मिलकर देश की विभिन्न क्षेत्रों में भोजन, राशन, मास्क, एम्बुलेंस की सुविधाएं, सैनिटेशन, अस्पताल सुविधाएं, ऐसी क्वारंटीन सेंटर की सुविधाएं, इन सबको मदद की और करोड़ों लोगों को उसका फायदा हुआ। ऐसी ही संस्थाओं के साथ रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, छोटी छोटी युवाओं की संस्थाएं, सब साथ में मिलके ऐसी अनेक संस्थाओं ने मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। ये मानवता का उदाहरण पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं कि किस रूप से ये संस्थाएं काम कर रही है। इन S में से 4था S है सरकार। जब समाज, संस्थाएं, स्वास्थ्य को साथ में रख के जिस सरकार को हमने दिल से वोट दिया और उनको सामने लाया, जिस सरकार से अपेक्षा की, उस सरकार ने भी आपकी अपेक्षाओं को पूर्ति करने के लिए पूरा काम किया। वो महिला जनधन खातों में 1,000 रुपये की राशि हो, गैस सिलेंडर की मुफ्त सुविधा हो, मास्क की सुविधा हो,
सैनिटाइजर या सैनिटाइजेशन की सुविधा हो, पीपीई किट की सुविधा हो, जरूरतमंद नागरिकों को फ्री राशन की सुविधाएं हो, हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए खाना और राशन की सुविधाएं हो, श्रमिक ट्रेन की सुविधाएं हो, विदेश में फंसे हुए भारत के नागरिकों को अपने देश में वापस लाने की सुविधाएं हो, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा सुविधा और वन नेशन वन मार्केट की सुविधा हो, एमएसएमई से छोटे छोटे लघु उद्योग करने वाले हमारे छोटे उद्योजकों को सुविधा हो, माइग्रेंट वर्कर्स को वन नेशन वन रेशन कार्ड की सुविधा हो, पीएम केयर्स के द्वारा सभी राज्यों को डिजास्टर फंड की सुविधा हो और अन्य राष्ट्रों को भारत पूरे विश्व में दवाइयां दे रहा है ऐसी सुविधा हो, तो सरकार अपने रूप से पूरा काम कर रहा है। ये चौथा एस बहुत जरूरी है। इस एस में से पांचवा एस जो इन सब को साथ में मिलके इकट्ठा करके हम सबका फ्यूचर, हमारा भविष्य देखने वाला है, वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। इफ वी हैव पॉजिटिविटी वी कैन मार्च फॉरवर्ड टू विन द लड़ाई, इफ वी डोंट हैव पॉजिटिविटी वी कैन नॉट विन दिस वॉर। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूं, जब हमारे साथ समाज साथ में मिलकर काम कर रहा है, संस्थाएं साथ में मिलकर काम कर रही है, स्वास्थ्य हम अपना ठीक रखना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से आपके लिए तत्परता से काम कर रही है, लेकिन इन सबको मिलकर इन पांच मुद्दों में से मुट्ठी बना के लड़ना हो तो सकारात्मकता बहुत जरूरी है। मैं सब देशवासियों को और मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूं, ये सब जो हो रहा है आपदा पूरे विश्व में है, यह आज या कल खत्म होने वाली नहीं है, हमें इसके साथ बहुत लड़ना है। इसके साथ लड़ने के लिए जब तक सकारात्मकता का भाव हम नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पांच एस, उन एस की एक मुट्ठी हमें बनानी है और उसको आगे ले बढ़ना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ, समाज, स्वास्थ्य, संस्था, सरकार और सकारात्मकता, इन पांच मुद्दों को लेके हम मुट्ठी बना के साथ में मिलके भारत को आगे ले बढ़े। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मेरे मित्रों, लॉकडाउन का विषय बहुत हुआ, लॉकडाउन पे काफ़ी चर्चाएं भी हुई। ये चर्चाएं इस विषय पे हुई कि भारत में जो लॉकडाउन हुआ कुछ दिनों से मैं सुन रही थी, वो ठीक है या नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, भारत ने जो लॉकडाउन किया उसको पूरे विश्व ने सराहा है, और सिर्फ सराहा नहीं है, उसका अनुकरण विश्व के सारे देश कर रहे हैं। जो मोदी जी ने भारत में किया वो पूरा विश्व करना चाहता है। विश्व को संभालने के लिए, इस देश के लिए, इस लॉकडाउन पे बहुत सारे विषय हुए, लेकिन जिस देश ने लॉकडाउन नहीं रखा आज वो खूब पछता रहे हैं और कह रहे हैं, भारत की तरह हमने लॉकडाउन रखा होता तो हम भी कोई अच्छा उसका अवसर देख पाते। इसलिए हम, भारत की जनता और हमारी सरकार और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी, इसीलिए जान भी संभाल रहे हैं। जान संभालते संभालते लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन आया है, इसके द्वारा हम जहां संभालेंगे, जान के साथ जहां संभालना ये बहुत कठिन होगा, लेकिन इस चुनौती को ही साथ में लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लॉकडाउन में हमने क्या देखा, परिवार साथ में मिले हुए हैं, घर के बाहर निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारी विभिन्नता दूर हुई, परिवार दिल से जोड़े गए, एक दूसरे के साथ समय बिताने का वक्त मिला, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का विचारों का वक्त मिला, खुद के साथ वक्त मिला कि आने वाले समय में हम कैसे अपने भविष्य को साथ में लेके आगे बढ़े। मुझे लगता है इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सिखाया, और इस सीख लेके आगे बढ़ने के लिए हम इस लॉकडाउन को देखना हमें चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहा और हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य भी ठीक रहा, और आने वाले समय में हमारा जिस रूप से इकोनॉमिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहने वाला है, इसका वादा मैं आपको देना चाहती हूँ। जब हम अनलॉक के बारे में बात करते हैं, अनलॉक वन, आपदा को अवसर में परिवर्तित करना ये भारत का समय है। भारत इस समय में इसको करके दिखाना चाहता है। पूरे विश्व में आज भारत की ओर लोग देख रहे हैं, हर विश्व का देश भारत को देख रहा है, मोदी जी को देख रहा है।
क्यों? क्योंकि हर आपदा को हमने अवसर के रूप से उसको देखा है। हर देश भारत की विश्वासार्हता से प्रभावित होके भारत से मैत्री करना चाहता है, भारत के साथ बढ़ना चाहता है। आज तो हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ भारत का नहीं तो पूरे विश्व का हमारे नेतृत्व कोई कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो सिर्फ भारत देश की देश सेवा नहीं तो पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, इस रूप से पूरा विश्व उन्हें देख रहा है। ये हमारा परम भाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधान सेवक इस देश को मिले हैं, जिन्होंने बचपन से चुनौती और मुसीबतों का सामना किया है। उसका सामना करते करते जीवन के संघर्ष के साथ वो आज यहां तक पहुंचे हैं। आज इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो मुमकिन है, मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो हौसला है, मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो सुरक्षितता है, मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो सफलता का विश्वास है, मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो समृद्धि का विश्वास है, मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो आत्मविश्वास है, और मोदी जी जैसे प्रधान सेवक है तो आत्मनिर्भरता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मूल मंत्र हमें मिलना है। आज जब हमारे इस नेतृत्व को, इसके साथ मोदी जी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरोना की इस भीषण परिस्थिति में डट के खड़ा है और आने वाले समय में भी पूरी तरह तत्परता से काम करेगा। आने वाले समय में युवकों के लिए क्या जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी आपको इसीलिए है क्योंकि ये आपदा आज या कल खत्म नहीं होने वाली है। हमें सबको साथ में मिलकर और इसके लिए लड़ना है, साथ में मिलकर बढ़ना है। कोरोना की आपदा के साथ आने वाले वर्षा ऋतु के 4 महीने हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक सोल्जर की तरह काम करना पड़ेगा। सोल्जर, सैनिक, आप जानते हैं कि सैनिक कभी हारता नहीं, डरता नहीं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का और युवा मोर्चा का सैनिक इन आने वाले समय में ऐसे ही डट के काम करेगा। बाढ़ की परिस्थिति आएंगी, पानी जमा होगा, लोगों को और सहायता देनी पड़ेगी। हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, इन सबको हमें सहयोग देना पड़ेगा। इन सहयोग के लिए हमारी हेल्पलाइन है, ब्लड हेल्पलाइन है, इस रूप से हमें सहयोग और जारी रखना पड़ेगा। #BJYMCares, BJYM ब्लड हेल्पलाइन से हमने करोड़ों लोगों को मदद की है, लेकिन ये मदद और हमें बढ़ानी है। इसीलिए आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में 5 करोड़ फेस कवर्स और 5 करोड़ सैनिटाइजर की बोतलों का वितरण करेगा। क्वारंटाइन सेंटर्स हो, वहां पे भी युवा मोर्चा का सोल्जर मदद कार्य करेगा। लावारिस मृतकों को बहुत तकलीफ होती है, उनके अंतिम संस्कार में मेरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का सैनिक सहयोग देगा। हम सब सरकार के साथ, संस्थाओं के साथ, समाज के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूँ, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, हम सब साथ में सरकार की हर एक योजना को आने वाले समय में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मदद करके हमारे सारे युवाओं को उनको बल देके नौकरी हो, उनकी ताकत हो, उनके स्किल को, उनके हुनर को ताकत देना हो, ये हर कोई योजना जो हमारे मोदी जी ने आने वाले पैकेज में सबके लिए रखी है, उस योजनाओं को युवकों से हम जोड़ेंगे। हर जिला में युवा मोर्चा का सोल्जर हेल्पलाइन से हर युवकों को एक नए अवसर की हर वक्त जानकारी देगा। यह सब करते करते मैं मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दरख्वास्त करूंगी कि आप सोल्जर की तरह लड़ेंगे, डटेंगे, लेकिन अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखें, अपने को और अपने परिवार के लोगों को संभाले रखें। यह आपसे मैं अपेक्षा करती हूँ और ये हर वक्त आपसे यही कामना करती हूँ कि आप ठीक रहें और लड़ने के लिए तैयार रहें। यही युवा मोर्चा के मेरे सोल्जर आने वाले समय में देश में कोई भी आपदा हो, किसी भी, कहीं भी तकलीफ हो,
वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, एनीवेयर इन द कंट्री, माय युवा मोर्चा सोल्जर विल बी ऑलवेज देयर विद द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड स्टैंड बाय देम एंड दिस इज व्हाट आई फील दैट माय युवा मोर्चा वर्कर्स विल डू। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूं, मैं आपको सोल्जर क्यों कह रही हूं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 2022 में पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मनाएगा, हम सब साथ में मनाएंगे। जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़े वो भाग्यशाली थे, लेकिन आज हमें भी देश सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और फिर से देश सेवा करने की जरूरत भी है। हम भी जैसे स्वतंत्रता के योद्धा थे, वैसे हम भी कोरोना के योद्धा बनके भारत का स्वर्णकाल लाएंगे। भारत के सभी कोरोना योद्धाओं को, जिनमें डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, नर्सेस है, वार्ड बॉयज हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, स्मशान भूमि के कर्मचारी हैं और विविध संस्थाओं के रास्ते पे उतर कर काम करने वाले मेरे सारे इन कोरोना योद्धाओं को मैं वंदन करती हूँ। आप सब लोगों ने साथ में मिलके इस देश को संभाला है, सवारा है और ऐसे ही आने वाले भविष्य में हम आप सबको वंदन करते हुए आपके सहयोग में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता साथ में रहेगा। मित्रों, आज तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का दिन है। उन्होंने स्वराज की स्थापना स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा इन मूल मंत्रों पे की। उनके इन्हीं विचारों को आप सब मिलके और मूल मंत्र को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये मूल मंत्र मोदी जी लेके आगे बढ़ेंगे, यही विचार करके हम सब युवा मोर्चा वाले इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोकल फॉर वोकल का नारा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम देशवासियों ने लिया है, इससे बढ़कर आदरांजलि छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या हो सकती है। पिछले 6 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और मैं आपको कह रही हूं आने वाले 4 सालों में देश समृद्ध भी होगा। इस समृद्ध देश को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम सब साथ में मिलके एक शपथ लेते हैं कि वोकल फॉर लोकल का तो नारा लेंगे ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेके हम सब साथ में मिलके मोदी जी के साथ जो 2020 का सपना अब्दुल कलाम जी ने देखा और युवाओं के सपने के साथ भारत का सपना जोड़ने का विचार जो प्रधानमंत्री मोदी जी रख रहे हैं, उन सबको साथ में मिलके हम आगे बढ़ेंगे और इस आपदा को, इस चुनौती को अवसर के रूप से भारत का हर युवा आगे ले बढ़ेगा। मेरी वाणी को विराम देने से पहले कुछ ऐसी चंद मैंने लाइनें कहीं पढ़ी थी जिसे मुझे लगा कि इस आपदा के वक्त ये कहना बहुत ज़रूरी होगा या उसके साथ उसका कहीं ना कहीं अर्थ निकलता है। वो ऐसी हैं, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम अभी और जरूरी है, इन सांसों पे हक है जिनका, उनको समझना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। मैं सारे मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिल से वंदन करती हूँ, भारत के सपूत, भारत के सब नागरिकों को जिन्होंने साथ में मिलके हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ कदम मिला के भारत के इस आपदा के साथ लड़ रहे हैं और ये आपदा लड़ के इस चुनौती से हम अवसर लेके भारत आगे बढ़ेगा और हर एक नागरिक का सपना पूरा होगा और भारत का स्वर्णिम काल हम जरूर बहुत जल्द देख पाएंगे। आप सबको मैं वंदन करते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।